देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच केवल 7.4% कर्मचारी ही किसी भी पेंशन प्लान के साथ जुड़े हैं। लोग रिटायरमेंट के बाद खरीदे हुए सोने या फिर अपने बच्चों की कमाई पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। पेंशन प्लान्स के मामले में जर्मनी और ब्राज़ील भारत से बहुत आगे है। देखिए ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार अगले 5 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इतनी बड़ी कामकाजी आबादी के बावजूद देश में केवल 7.4% काम करने वाली आबादी किसी भी पेंशन प्लान के तहत दर्ज है। ये आंकड़ा जर्मनी में 65% है और ब्राज़ील में 31% है। इसके दो मूल कारण हैं, भारत में एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी का होना और दूसरा वित्तीय बाजार में रिटायरमेंट प्रोग्राम के कम विकल्प होना। हालांकि रामादोराई कमेटी ने यह भी पाया कि आधे से ज़्यादा भारतीय घरों में लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं। 10% से भी कम लोग किसी भी सरकारी पेंशन प्लान या प्रोविडेंट फंड से जुड़ने के इच्छुक हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 77% घरों में लोग कभी रिटायर ही नहीं होते, यानी अनौपचारिक व्यवसाय का हिस्सा होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के अनुसार जहां UK में 95% प्राइवेट पेंशन निवेश है, वहीं भारत में ये आंकड़ा 1% से भी कम है। क्रिसिल रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार अगर पेंशन कवरेज मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रही तो 2030 तक सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को मदद करने वाली कोई स्कीम निकालनी पड़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर GDP के 4.1% तक का वित्तीय भार पड़ सकता है। रामादोराई कमेटी ने यह भी बताया कि भारतीयों का सोने के प्रति झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय परिवारों में कुल संपत्ति का 11% सोने के रूप में होता है, जबकि चीन में यह आंकड़ा केवल 0.4% है। सोना खरीदने के 3 फायदे होते हैं। पहला ये कि इसे गिरवी रखकर कर्ज लिया जा सकता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के गिरने का इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा, टैक्स बचाने में ये मदद करता है। ऐसे में अगर पेंशन प्लान्स के प्रति सरकार द्वारा जागरूकता नहीं फैलाई गई तो एक बड़ी आबादी के लिए रिटायरमेंट के बाद आजीविका चलाना अनिश्चितता भरा हो जाएगा। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।